हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ, कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स कल से ही आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छे से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं बताऊँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सैलरी और पेंशन से रिलेटेड, जो भी मतलब आपको यहाँ पे जानना है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उस पर आपको पेंशन कितना मिलने वाला है, सारे इन्फॉर्मेशन आज मैं अपने स्मार्ट नौकरी के चैनल में आज आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। प्लस मैं एक बात यहाँ पे और बताने वाली हूँ, वो ये है कुछ फिजिकल हैंडीकैप के जो लोग हैं, मतलब थोड़े से जो हैंडीकैप के स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनका इंटरव्यू या उनका डीवी कैसे सब कुछ होगा, ये पे इस पे थोड़ा सा भी मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस पे भी मैं आज देने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा वीडियो आप मेरा एंड तक देखिए, पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको सैलरी पेंशन, उसके बाद हैंडीकैप, जो फिजिकल हैंडीकैप के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब यहाँ पे कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगी। तो ऑलरेडी हमें जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैं उनसे चाहूँगी कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपके करने से जो भी हम सारे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो आप तक पहले आती है। ऑब्वियसली हम आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारा यही एम होता है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आए वो आपके तक पहले आए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जानिए कितनी मिलेगी सैलरी एंड पेंशन, ठीक है। पहले मैं आपको वो स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स दिखा देती हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी कमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स का, कि एटलीस्ट वो कुछ रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई कृष्ण पाल है जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, नमस्कार जी मैडम जी, आपने पेंशन के बारे में मैं नहीं बताया, मैं आपके आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बताएं प्लीज़। आपको हाथ यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं सैलरी या पेंशन भी आपके यहाँ पे वीडियोस में बनाने ही वाली हूँ, बस कैसा होता है थोड़ा सा टाइम जाता है किसी भी चीज़ को ढूंढने में करने में, क्योंकि मुझे सारे जॉब के पेंशन एंड हर चीज़ मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, तो आपको यहाँ पे मुझे बताना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्ट क्या पेंशन मिलने वाला है, आपको सैलरी क्या होगी, एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाली हूँ। एक सेकेंड बस मैं आपको रुझाई, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यस ये देखिए, ये है आपका नेवी ट्रेड्समैन, यहाँ पे देखो आपको लिखा है ट्रेड्समैन, और ये टेंथ का एग्जाम है ITI वालों का, जैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा था यहाँ पे, एक सेकेंड, यस आपका क्वालिफिकेशन 10th और ITI मांगा था, और यहाँ पे ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी निकली थी, ये पूरे टोटल वैकेंसी कितनी निकली थी, 554 पोस्ट निकला था, ठीक है। अब आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हो 18,000 रुपीज़ से लेके 56 समथिंग कुछ, मतलब टोटल मिलाया जाए तो 57,000 यहाँ पे पर मंथ जा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात बताना चाहती हूँ, जो 18,000 यहाँ पे लिखा है ना, तो गवर्नमेंट का हर चीज़ मतलब 18 से स्टार्ट होता है, पर 18 के एबव मिलता है, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब, ये भी नेवी ट्रेड्समैन आपका सब चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ही आ जाता है, गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी में आपको 16,000-17,000-18,000 नहीं मिलता है, कम से कम 25 के एबव जाता है, 25 के नीचे कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलती आपको। तो आपको यहाँ पे स्पेशली मैंने हर एक जॉब में देखा है, ये 18 आपके बेस मनी है, बेस मनी का मतलब ये हो जाता है कि ये फिक्स अमाउंट है जो आपको मिलने वाला है, उसके बाद बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा सब कुछ मिला के एटलीस्ट मैंने आपका देखा है यहाँ पे कि आपको 27,000 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 27,000 स्टार्टिंग मनी होगा, जो आपको पूरा टोटल यहाँ पे 27 मिला स्टार्ट होगा, और लास्ट 2 या 3 साल के बाद, या फिर मेरे ख्याल से प्रमोशन पर डिपेंड होता है कि यहाँ पे नेवी ट्रेड्समैन कितने जल्दी हर चीज़ का प्रमोशन करता है, कितने साल में करता है, तो लास्ट अमाउंट आपको वो 56 मतलब 900 मतलब पूरा 57 समझ के चलो यहाँ पे, तो पूरा 57 से एबव आपकी यहाँ पे सैलरी नहीं होगी, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो आपकी सैलरी 27 से लेके 57 तक आपका यहाँ पे सैलरी जाएगा, मतलब आपको हो सके स्टार्टिंग से 27 मिलना स्टार्ट होगा। अभी पेंशन और मैं थोड़ा सा टैक्स की बात बताना चाहती हूँ आपको, मैं खुद एक इकोनॉमी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक मतलब इकोनॉमी से बिलोंग करती हूँ, मेरा इकोनॉमी से पूरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, पूरा MA वगैरह, तो मैं आपको पहले टैक्स के बारे में बताना चाहती हूँ।
ये जो टैक्स होता है ना, ये मतलब एक तरह से स्लैब डिवाइड किया गया है कि अगर हर एक पर्सन की 50 से लेके अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो उसमें कितना टैक्स कटेगा। तो जब आपका 50 के अबव पहुँचेगा उसके बाद कितनी टैक्स होता है, मतलब हर एक इनकम पे उस पर उतना परसेंटेज डिसाइड किया गया कि आपकी इनकम अगर इतनी होगी तो इतना परसेंट टैक्स आपको कटेगा और इतना ही परसेंट आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपके सैलरी पे डिपेंड करती है। जब वहाँ पे आपको 27 मिलना स्टार्ट होगा तो उस पर जो भी आपका टैक्स होगा परसेंटेज जो वहाँ पे डिसाइडेड होगा वो परसेंट के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा और वही परसेंट के हिसाब से आपका पेंशन मिलेगा। और पेंशन डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये नेवी ट्रेड्समैन गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाले ही जॉब क्यों ना हो, पेंशन रूल सबको स्टार्ट करना ही है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे लेबर वर्क करते हैं सबको यहाँ पे पेंशन मिलना ही चाहिए क्योंकि पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइवेट सेक्टर में पेंशन नहीं रखा था पर अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया गया कि पेंशन देना इंपॉर्टेंट है, सबको पेंशन देना है यहाँ पे। तो अभी प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन देना स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहले से पेंशन देना है ही। तो आपके टैक्स आपकी इनकम के हिसाब से परसेंटेज जिस यहाँ पर डिसाइडेड होता है कि उतना टैक्स कटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कटेगा 27 में, और आपको पेंशन भी वही परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आपको पेंशन भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया है कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पेंशन मिलने वाला है। मैंने आपको सैलरी भी बता दी कि कहाँ से लेके कहाँ तक की आपको सैलरी मिलेगी। ये 18,000 बेस सैलरी है जो आपको 18 डेफिनेटली आपके इनहैंड में मिलने वाला है, प्लस उसके बाद कुछ अलाउंस वगैरह होता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट वहाँ से देती है वो आपका मिला के एटलीस्ट 25 से स्टार्ट होगा। पर मैंने ओवरऑल चेक किया तो पूरा 27 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब उसके बाद प्रमोशन वगैरह जैसे भी जितने साल में वहाँ पे होता है, लास्ट आपको कितना मिलने वाला है, 57 मान के चलो 57,000 आपका लास्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये इनकम है। पेंशन आपके इनकम के डिपेंड हो, उसमें परसेंटेज रखा जाता है कि इतनी इनकम है तो उतना परसेंट ही टैक्स होगा, उतना परसेंट ही आपका पेंशन होगा। तो मैंने सैलरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब मेरा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप के लोग हैं, एक सेकेंड मैं उसको आपको कमेंट दिखा देती हूँ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे किसी ने लिखा है, यहाँ पे PWBDS मतलब जो भी फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं, क्या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स क्या देना है। देखो फ्रेंड्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपका जो एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एक हर एक पर्सन का होता है वही आपका भी यहाँ पे होगा। बस आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, मतलब आप किस चीज़ में यहाँ पे हैंडीकैप हो, मतलब किस चीज़ में आपका फिजिकली प्रॉब्लम्स है, उसका एक अलग सा सर्टिफिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आँखों से थोड़ा सा ही होता है, कोई सुनने में थोड़ा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका अलग से एक सर्टिफिकेट रहता है आप लोगों का, कि वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे एग्ज़ाम में दिखाते हो तो आपका ये PWBDS में आपको वहाँ पे नेम आता है। तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ में यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। ठीक है, और एक रिपोर्ट आपका मेडिकल का जो सबका सेम रहने वाला है, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हर चीज़ रहता है कि हमें कोई डिजीज या हमें कोई बीमारी, बड़ी बीमारी हमें कुछ नहीं है, उसका एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, वो ऑलरेडी आप मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह से वहाँ पे करा के उसका एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और डॉक्टर वहाँ पे साइन कर देता है, बस यही इसको मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो नेवी ट्रेड्समैन का कोई डिपार्टमेंट भले अलग हो जाता है पर पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट होता है, तो पूरे गवर्नमेंट की जॉब में एक मेडिकल टेस्ट सबका होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे रखने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट इसलिए मांगती है क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, आपको कुछ डिजीज वगैरह ज़्यादा बीमारी तो नहीं, इसलिए इसको चेकअप करने के लिए वो मेडिकल का टेस्ट आपको मांगती है। और फिजिकल हैंडीकैप वालों को आपको क्या करना है, यहाँ पे आप किस चीज़ में आप मतलब हैंडीकैप को किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, उसका एक सर्टिफिकेट आपका अलग से होगा। तो फिजिकल हैंडीकैप वालों का 2 सर्टिफिकेट हो जाएगा, नॉर्मल पर्सन का सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट रहेगा। तो मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का दोनों जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था स्टार्टिंग में, पेंशन सैलरी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिजिकल हैंडीकैप के भी डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिजिकल हैंडीकैप को भी वही नॉर्मल क्वेश्चन माई सेल्फ पे छोटा मोटा पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सब कुछ यहाँ पे आपके जैसा सेम ही रहेगा, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बस एक नॉर्मल पर्सन से शायद थोड़ा सा वो ज़्यादा माई सेल्फ पूछेंगे, बट एक फिजिकल हैंडीकैप से एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप लोगों का परसेंटेज ऑलरेडी बहुत ही कम रखा जाता है। तो इस तरीके से जो सब कुछ एक नॉर्मल पर्सन का टेस्ट होगा वही आपका भी होगा,
बस आप में थोड़ा सा शायद एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बस उतना नॉर्मल आपका भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सारे डिटेल्स सारे यहाँ पे आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक डिटेल्स रह गया है सेकेंड लिस्ट को लेके, ठीक है। उसमें मैं नया वीडियोस आपके लिए बना के बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। तो कुछ भी डाउट हो तो आपको मुझसे डाउट कमेंट्स वापस करके पूछना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ही कमेंट्स पर मैं यहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्स देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जो कमेंट्स करते हैं और मुझसे कुछ बातें पूछते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो सच में मतलब सीरियस है। ऑब्वियसली मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत ही बी सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, अपने स्टडी को लेकर सीरियस होते हैं, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके सवालों का जवाब यहाँ पे देना ही है। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग से एक वीडियो बनाती हूँ, अलग से अपना टाइम थोड़ा सा आपको लिए देती हूँ, क्योंकि नए जॉब देना ही हमारा काम नहीं है, पूरा जॉब तक अचीव कराना भी हमारा काम है। हमारा एटलीस्ट हमने अगर ये स्मार्ट नौकरी चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया है तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको जॉब के बारे में बता दिया फिर मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा जॉब को अचीव करने तक, आपको पूरा सजेशन देने तक, सब तक आप मतलब पूरा एंड तक हमारा यहाँ तक पूरा आपके लिए काम रहता है। तो इसी तरीके से हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये चाहेंगे कि कोई भी डाउट्स आपको यहाँ पे पूछना है, अपने सारे डाउट्स मैं ऑलरेडी आपके यहाँ पे क्लियर करने के लिए ही बैठी हूँ। तो मैंने आज आपको सैलरी पे फिजिकल हैंडीकैप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड लिस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, तो उस पर मैंने इसलिए कुछ आपको मैं नहीं बताना चाहूँगी, जब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला ही नहीं है तो मैं आपको बताऊँ क्या। ऑलरेडी अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल साइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि कब आएगा सेकेंड लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए एडवाइस, नए सजेशन और कुछ नए वैकेंसी अगर जो भी निकलेगी उस वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे। तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।